आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा, सीएम शिंदे और डीसीएम देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात। मुंबई विश्वविद्यालय में देंगे लेक्चर, गणपति पंडालों में भी जाएंगे शाह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का नया दांव, एनसीपी के 10 एमएलए और 3 एमएलसी के खिलाफ दाखिल किया योग्यता की याचिका। विधानसभा के 13 सदस्यों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप। चुनाव से पहले फोन टैपिंग का जिन्न आया बाहर, कांग्रेस ने मामले पर दिया बयान। नाना पटोले बोले, सरकार आने पर कराएंगे जांच। सुप्रिया सुले ने की स्पीकर से गुजारिश, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने गिराई संसद की गरिमा। विशेष अधिकार समिति को सौंपा जाए मामला। पूर्ण आईपीएस अधिकारी विजय रमन का पुणे में निधन। पान सिंह तोमर और आतंकी गाजी बाबा का किया था एनकाउंटर, कैंसर से पीड़ित थे विजय रमन। नागपुर में भारी बारिश में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, कई इलाकों में हुआ जल भराव। एनडीआरएफ की टीमें तैनात, स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्देश। मुंबई के दादर में रेंट्री बिल्डिंग में लगी आग, 15वीं मंजिला इमारत के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, दम घुटने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। मुंबई में मां ने अपनी बच्ची को 14वीं मंजिल की खिड़की से फेंका, 39 दिन की बच्ची की मौके पर ही मौत, मानसिक रूप से बीमार है मां, जांच जारी। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस से बचकर भागते वक्त नाबालिग की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, मामले की जांच जारी। अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज का मोशन पोस्टर रिलीज, 13 किरदारों से सजा है पोस्टर, 25 सितंबर को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर।